सब्सक्राइब कीजिए सीओसी टेक्निकल चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरे वीडियो सबसे पहले। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सीओसी टेक्निकल में। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियो लाकर आया हूँ, इसलिए तो आपने सब्सक्राइब किया था मुझ पर भरोसा रख के। अगर आप नए हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिर्फ टाइमर लॉक ऐसा सर्च करना है। टाइमर लॉक आने के बाद ये देखिए अब ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था इसलिए मैं डायरेक्टली इसे करूँगा ओपन। ओपन के करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और आपको इसे ग्रैंड परमिशन देनी होगी। तो मैं इसे बैकग्राउंड में चलने के लिए ग्रैंड पोजीशन दे देता हूँ। और इसके बाद वो कुछ आपसे परमिशन मांगेगा तो आप उसे परमिशन अलाउ लो कर देते। उसके बाद ये देखिए ओपन हो चुका है। इसके लिए आपको पहले से पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन दे देते तो हम इसे मैंने जानबूझ के ब्लर किया है तो मैं इसे अब से स्टार्ट कर देता हूँ। आप इसे पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन से आप जो भी रख सकते हैं और बाद में रिकवरी ईमेल भी आपको पूछेगा तो आप रिकवरी ईमेल भी डाल देना। तो इसके बाद ये देखिए जो आपको लॉक चाहिए उस टाइम को आप सेट कर देना। मैं अब देखता हूँ करता हूँ सेट। मैंने कर देता हूँ 12:15 यहाँ पिच में टैप करना फिर से वो रिपीट पूछेगा। ये देखिए 12:15 टाइम क्रिएट हो चुका है। फिर बाद में आपको मैं कुछ इसके पहले सेटिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए चेंज आप यहाँ पे चेंज टाइमर पासवर्ड कर सकते हैं। अनलॉक फिंगर मतलब फिंगरप्रिंट है आपके मोबाइल में है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड सेल्फी मतलब जो अगर जो मतलब रॉन्ग पासवर्ड डालेगा उसकी वो सेल्फी ले लेगा और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल को कौन अनलॉक करना चाहता था। और अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन में आप यहाँ पे एडवांस प्रोटेक्शन स्टार प्रोटेक्शन कर देगा मतलब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में तो आपको ये एप्लीकेशन जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड कमी मिला हर एक कुछ छोटे छोटे सेटिंग है हाइड है चेंज ऐप आइकन है क्लॉक बुक साउंड है ऑटो स्टार्ट है नाइट मोड साइड स्लो इंटरवल और नीचे यहाँ पे योर पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन इंफॉर्मेशन। तो आपको जो भी चाहिए तो यहाँ पे आप तो इस प्लस पे टैप करने के बाद आपको सामने ऑप्शन आ जाएंगे आपको जिसमें से चाहिए वो से मैं जाता हूँ वीडियोज़ में और यहाँ पे मेरी एक्सपोर्ट की वीडियो मतलब मेरे यूट्यूब की वीडियो में से कौन सी एक वीडियो में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो प्लस राइट का आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना है तो आपको सारी जो आपके वीडियो है वो सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे और सभी में फिर से टैप किया तो आपको सारे सारे अनमार्क हो जाएंगे। तो हमें इसे ऐड करना है तो ये देखिए यहाँ पे जो लॉक का आइकॉन है उस पर क्लिक करना। इस करने के बाद ये हाइड हो रहा है तो हाइड में थोड़ा सा समय जा रहा है। और यहाँ पे लगभग हो चुका है और 99% और 100% तो यहाँ पे ऐड हो चुका है।
दोस्तों इसके साथ आप जो भी ये यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो किसी आप किसी का हाथ में मोबाइल लेते हैं तो वो लेगा, तो आपके पास वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, उससे आप किसी को लीक नहीं करना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन का ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हो। हाँ, पर एक तो इंटरनल स्टोरेज में सेव होने से आप इसे फैक्ट्री डाटा रिसेट मत कर देना। अगर फैक्ट्री डाटा रिसेट कर दिया तो इस एप्लीकेशन में आपने जोड़ा हुआ डाटा सभी का सभी क्लियर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे होल्ड जैसा काम कर दिया और यहाँ पे मेरी वीडियो हाइड हो चुकी है। और ये देखिए तुम इसे प्ले कर सकते हो। तो कैसे लगे ये वीडियो? इस एप्लीकेशन के मदद से आप आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसे आप हाइड कर सकते हो और किसी को विजिबल नहीं करे होगा तो आपका डाटा सेव रहेगा। पर हालांकि एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आप फैक्ट्री डाटा रिसेट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके इंटरनल स्टोरेज में ही स्टोर होता है। इससे अगर आपने फैक्ट्री डाटा रिसेट किया तो आपका सभी का सभी डाटा जो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का सावधानी रखें कि मैं जानता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को फैमिली के साथ ही शेयर कर देना। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी राय से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए रुकता हूँ, फिर लेकर आऊँगा एक नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।